जो स्कॉर्पियो एन के शौकीन है, लिस्ट है। ये लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका कितने का खर्चा है, 65,000। हेलो जन लाइट 10.5 17,000 रुपए में ना आप एकदम लग्जरी लुक में लेके आ गए। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Welcome back to Dosto. Dosto, Ram Ram. मैं विनीत राठी, आप सभी का स्वागत करता हूँ राठी ट्रैवल ब्लॉग्स में। आज का ब्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो एन के एसेसरीज की। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला उन लोगों की जो स्कॉर्पियो एन के शौकीन है। आप सभी बिल्कुल इसमें बने रहिएगा, एक एक पैसे का हिसाब मैं आपको बताऊंगा, एक एक एसेसरीज मैंने इसमें क्या क्या लगाई है, पूरी एसेसरीज की आपको डिटेल मिलेगी। क्या एसेसरीज मैंने लगाई है, उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, कितने का लगा है, कहाँ से लगा है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। ये मेरी स्कॉर्पियो एन खड़ी है यहाँ पर, अभी आपको दिख रही होगी एकदम बिल्कुल चमकती हुई स्कॉर्पियो एन। इसको मैं अभी पूरा मॉडिफाई करवा के लाया हूँ, पूरी डिटेल इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या लगवाया। दोस्तों मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है, क्या मैंने सामान लगवाया था। वहाँ से मैं गया था रमता रोड जय ऑटोमोबाइल पर, तो मैंने पहली लास्ट वीडियो जो बनाई थी मैंने बताया था कि मॉडिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, पूरी डिटेल मैं वीडियो बनाई थी। वो वीडियो जरूर जाकर देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो स्कॉर्पियो एन के लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि वो कहाँ से कराएं, कैसे कराएं, क्या चार्जेस आएगा, ये सबकी क्वेरी रहती है। जब मैंने स्कॉर्पियो ली थी तो मेरी भी यही क्वेरी थी कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी स्कॉर्पियो एन एकदम ज़बरदस्त अपडेटेड हो जाए, कम पैसों में काम हो जाए। तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेके आया हूँ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, इसमें आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। ये मेरे हाथ की लिस्ट है, ये लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लिस्ट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ आपका कितने का खर्चा आएगा, एक एक एसेसरीज की बात करते हैं। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला ग्रिल क्रोम से। तो जो ग्रिल क्रोम है वो कितने की है, लगभग 3500 से 4000 की लगभग आपको ग्रिल मिल जाएगी। और ये है ग्रिल, ये आप देख सकते हैं, इसमें 5-6 ये आते हैं, 6 मैंने लगवाए थे, ऊपर का ग्रिल लगवाया था, तो लगभग इसकी कॉस्ट पड़ी है 3500 रुपये की। उसके बाद आते हैं फॉग लैम्प की। तो फॉग लैम्प में दोस्तों हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ये पूरा ब्लैंक रहता है, ये ब्लैंक हटाने के लिए हम इसमें एक नई लाइट लगाते हैं जिसको बोला जाता है फॉग लैम्प। ये फॉग लैम्प हमारा आया था लगभग 10,000 रुपये का पड़ा, दोनों, एक इधर का एक इधर का। अब बात करते हैं हेलोजन लाइट की। तो लगभग हेलोजन लाइट दोस्तों मैंने पूरी लाइट चेंज नहीं कराई थी, इसमें आप देख रहे हैं बहुत सी पूरी लाइट चेंज करा देते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैंने सिर्फ इसका बल्ब चेंज कराया। तो दोनों साइड के बल्ब की जो कॉस्ट आई है, इधर की भी और इधर की भी, ये लगभग आई है कोई 10,500 रुपये के आसपास की। तो आप भी इसको चेंज करा सकते हैं, इसकी लाइट इतनी ज़बरदस्त है ना कि आप देख के कहेंगे रात में ना बिल्कुल एकदम अंधेरी की जगह लाइट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट उसकी बात करते हैं हम फुट रेस्ट की। तो दोस्तों फुट रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गाड़ी के लिए, ये देखिए, क्योंकि गाड़ी की हाइट काफ़ी है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, काफ़ी हाइट है तो इसमें चढ़ने में दिक्कत होती है, आप आराम से नहीं चढ़ सकते, तो इसके लिए फुट रेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी कॉस्ट लगभग 6500 से 7000 रुपये के आसपास की आपकी फुट रेस्ट आएंगे दोनों साइड के। इधर भी लगा हुआ है और दूसरी साइड में दिखाता हूँ, इधर भी लगा है, ये फुट रेस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों रूफ रेल की। सबको बताया कि जब स्कॉर्पियो एन आती है उसमें रूफ रेल नहीं होती, रूफ रेल बोला जाता है इसको, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हिलती नहीं है, चाहे आप गाड़ी पर चढ़ जाएं किसी तरीके से, ये मैंने बाहर से लगवाई है। इसकी कॉस्ट लगभग आपको पड़ेगी 5500 रुपये की, 5500 रुपये में ये आपकी दोनों रूफ रेल चेंज हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों ORV की। तो ORV क्या है, बेसिकली दोनों साइड में ग्लासेस जो हमारे हैं वो ऑटो फोल्ड नहीं होते हैं, तो उसको ऑटो फोल्ड करने के लिए हमें लगवाना पड़ता है। तो ये जो पूरा का पूरा चेंज हुआ है, और पूरा चेंज होने की इसकी कॉस्ट आई है लगभग 11,500 के आसपास की, इधर की भी है और उधर की, दोनों साइड में मैंने चेंज कराया। बात करते हैं तो बफर क्रोम 3,000 रुपये के आसपास की लगेगी लगभग, ये क्रोम है हमारी, ये पूरी गाड़ी में इधर भी हुई है और दूसरी साइड में भी हुई है, इसकी कॉस्ट लगभग आपको 3,000 के आसपास की आ जाएगी। ORV रिले हमारी अलग से लगाई जाती है, इसमें रिले नहीं आती है,
उसकी कॉस्ट आपको अलग से लगेगी 3000 रुपए की। उसके बाद में आप बात करते हैं कैमरा की, तो इसमें मैंने स्कॉर्पियो में रियर कैमरा लगवाया, इसकी कॉस्ट ये देखिए ब्लू पंग का कैमरा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2500 रुपए के आसपास का कैमरा आपको पड़ जाएगा। डमी वाइपर लगवा सकते हैं, तो ये रोटेट वाला लगवाया तो डमी वाइपर भी लगभग आपको पड़ जाएगा 1500-1700 रुपए के आसपास का। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सब कहते हैं कि भाई स्कॉर्पियो तभी अच्छी लगती है जब उसके टायर अच्छे हैं, तो मैं आपको इसके टायर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके टायर 17 इंची के थे, मैंने 18 इंची के कराए। इसमें थार का टायर पड़ा हुआ है सीएट का, और जिसकी लगभग मेरी जो कॉस्ट पड़ी है टायर की और अलॉय व्हील की वो 65000 रुपये के आसपास की पड़ी है। तो सबसे बड़ी बात है ये देखें दोस्तों, 65000 रुपये में मेरे 1, 2, 3 और 4 टोटल 4 टायर 65000 रुपये के पड़े हैं, जिसमें कि अलॉय व्हील के साथ में 18 इंच की अपग्रेडेड। ये दोस्तों अब इंटीरियर की अगर हम बात करें तो सबको पता है कि भाई बिना मैट के इंटीरियर बेकार होता है, तो मैंने ये रबड़ मैट लगवाई है, ये 70 रबड़ मैट है, इधर भी दिखाता हूँ आपको 70 रबड़ मैट, बहुत ही शानदार अच्छे प्राइस में इन्होंने हमें लगा के दिए, 4800 रुपये के आसपास की हमारी ये 70 रबड़ मैट पड़ी है। अब बात करते हैं स्टेयरिंग की। दोस्तों आप सबको पता है स्टेयरिंग सबकी गाड़ियों की जान होती है और इसका लुक में आना बहुत ज़रूरी होता है, तो जो हमारा स्टेयरिंग है वो स्टेयरिंग की ये मून फिटिंग आती है, आपको पास दिखाता हूँ, ये मून फिटिंग आती है और मून फिटिंग करने का इसका चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन कॉस्ट मायने नहीं रखती, लुक मायने रखता है। 2500 रुपये के आसपास का हमारा ये मून फिटिंग में लगा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एसी वेंट है, मैंने यहाँ पर क्रोम करवाए हैं, ये पहले ब्लैक आता है, ये भी ब्लैक आता है, ये भी ब्लैक आता है, इनकी सबकी बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले आपको एसी वेंट बताता हूँ, 3200 रुपये के मेरे एसी वेंट पड़े हैं, इधर का भी है और इधर का भी लगभग। उसके बाद वी सिल्वर लगभग 1000 रुपये का पड़ा है, और उसके बाद अलग से खर्चा आया है लेबर का, वो लगभग 4200 रुपये का खास, लगभग 3600 रुपये के आसपास के ये हैंडल पड़े हैं, ये हैंडल है जिसको बाहर से लगवाया, इससे लुक एकदम बेहतरीन हो गया गाड़ी का। फिर उसके बाद में ये जो इसको बोलते हैं डी हैंडल बोलते हैं, और डी हैंडल की जो कॉस्ट आई है वो लगभग 4400 रुपये की आई है, ये पूरा रिप्लेस हुआ है, ये भी रिप्लेस हुआ है और वो वाला भी रिप्लेस हुआ है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बेहतरीन हो रहा है, मतलब और गाड़ियों की अपेक्षा ना इस गाड़ी को एकदम पूरा मैंने चेंज करा दिया है, आपको अंदर से इंटीरियर लुक पूरा ही आपको डिफरेंट लगेगा। आप SUV 700 को देख लो और इसको देख लो, इंटीरियर का तो भाई साहब कोई तोड़ नहीं है, जो भी देखता है ना वो यही कहता है कि आपने कहाँ से कराया। दूसरा सनग्लास होल्डर भी मैंने इसमें करवाया, ये सनग्लास होल्डर है। दोस्तों बात कर रहे थे मड फ्लैप की, तो मड फ्लैप आपको सामने दिख रहा है, मड फ्लैप चेंज हुए हैं इसमें, जिसकी मड फ्लैप की कॉस्ट हमारी आई है 1000 रुपये के आसपास। दोस्तों बात करेंगे सबसे बेहतरीन चीज़ की इस गाड़ी के अंदर, वो है इसकी सीट कवर, आपको मैं पूरा सीट कवर दिखाता हूँ। सीट कवर की जो क्वालिटी है ना वो अल्टीमेट है, बहुत अच्छी फिटिंग है, 7-सीटर मेरी गाड़ी है, अभी फोल्ड किया हुआ मैंने पीछे की सीट, और इसकी जो कॉस्ट पड़ी है ना वो सीट कवर की पड़ी है लगभग 17000। तो दोस्तों 17000 रुपये में ना आपने अपनी गाड़ी एकदम लग्जरी लुक में लेके आ गए, उसका कोई तोड़ नहीं, तो काफ़ी कुछ इसमें करा दिया है। दूसरा अब मैं आपको बात बताता हूँ इसका इंटीरियर, तो दोस्तों मैंने इसमें इंटीरियर में भी काम कराया, ये मैंने आपको बता दिया था जो डी क्लैंप थे ये कितने के थे लगभग। अब इंटीरियर में क्या है, मैंने ये चेंज कराया, डोर ओपन करने के लिए जो लॉक है इसको मैंने पूरा सिल्वर कराया, ये पियानो फिनिशिंग कराई है दोस्तों, ये पियानो फिनिशिंग है, स्विच मैंने वही रखे हैं क्योंकि चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं, ओरिजिनल स्विच आते हैं इसको चेंज नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा मैंने ORV में आपको बता ही दिया, ये पूरा स्विचेस वगैरह उसके साथ में ही आए हैं। अब ये एक विंडो में नहीं है, ये आपको हर विंडो में इसी तरह से मिलेंगे, सेम पूरा का पूरा ये पेंट भी हुआ है और ये सामने भी पेंट हुआ है, ये सब इंटीरियर में मैंने कवर करा है, ये ब्राउन कलर में आता है, इसको मैंने पूरा वाइट कवर करा दिया है, ये पूरा मैंने वाइट कवर करा। दोस्तों इंटीरियर लगभग 11000 रुपये का हुआ है, इस इंटीरियर में क्या क्या चीज़ कवर्ड है आपको बता देता हूँ, ये कवर्ड है, ये पूरा का पूरा सॉफ्ट टच में है, सामने वाले पेंटिंग है, पीछे वाली डोर की पेंटिंग है वाइट कलर की, ये पूरा पेंटिंग है, उसके बाद ये सॉफ्ट टच इसकी इंटीरियर के अंदर आ जाता है, और ये सब मैंने कराया, ये देखिए ये पूरा सॉफ्ट टच है, इसके अंदर आपको इधर भी सॉफ्ट टच मिलेगा, तो दिखा रहा हूँ ये सॉफ्ट टच है, तो काफ़ी कुछ चेंज इसमें मैंने करा दिया पूरा गाड़ी के अंदर। मुझे लगता है शायद जितना काम मैंने कराया वो काम आप भी करा सकते हैं, लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास आप लगा के अपनी स्कॉर्पियो N को एक ज़बरदस्त गाड़ी बना सकते हैं।
तो मैंने इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। अगर कुछ भूल गया हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें और क्या चीज़ पूछनी है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी कॉस्ट नहीं बताई है, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह की स्कॉर्पियो एन की वीडियो मैं लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से मेरा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।